एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निशांक व्लॉग्स। आई होप सारे अच्छे होंगे। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है संडे एंड संडे वाले दिन हम सब लेट उठते हैं, इसलिए अब टाइम हो गया लाइक 8:30। एंड संडे को मैं अपने हेयर्स पे एक मास्क अप्लाई करती हूँ जो मैं घर में ही बनाती हूँ विद द हेल्प ऑफ द फेनिग्रीक सीड्स। तो चलो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा उसके बारे में। जैसे कि आपको पता है, ये है फेनिग्रीक सीड्स, मेथी दाना जिसको हम बोलते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून मेथी दाना ले लिया था और इसमें पानी डालकर ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था फॉर 8 to 10 hours हार्डली। सुबह उठकर देखा तो ये मेथी दाना काफ़ी ज़्यादा फूल गया है और इसका जो ये पानी है वो जेली टेक्सचर में कन्वर्ट हो गया है। तो इस पानी को गाइस हमने फेंकना नहीं है, इस पानी को हमने ग्राइंड करने की हेल्प में यूज़ करना है। साथ में मेथी दाने का हमने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है और ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज का रस जो मैंने यूज़ करना है लगभग 4 टेबलस्पून। इसमें ऑनियन का रस ऐड कीजिए और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप कैस्ट्रोल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ये हमारे हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा नॉरिश करेगा। फेनिग्रीक सीड्स में ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर्स को स्मूथ, शाइनी और सिल्की बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। मेथी दाना में फॉलिक एसिड होता है जो हमारे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग एंड रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। दूसरा इसमें निकोटिनिक एसिड है जो क्या करता है, हमारे जो स्कैल्प के सर्कुलेशन होती है ना न्यूट्रिएंट्स की, उसको इंक्रीज करने के साथ साथ आपके हेयर्स को शाइनी भी बनाता है। तो हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने अपने हेयर्स को बिल्कुल टेंगल फ्री कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ द कॉम। अच्छी तरह से इसको कॉम कर लीजिए ताकि हेयर्स में बिल्कुल भी टेंगल ना रहे और बिल्कुल भी अड़े ना। तो इसके बाद हम इसको 2 पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे। 2 पार्टीशंस के डिवाइड करने के बाद हम इसकी छोटी छोटी पार्टीशंस बनाएंगे लाइक दिस। ऐसे ऐसे करके हम पार्टीशंस बनाएंगे और जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया है, मास्क तैयार किया है, इसको हम अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऐसे हम स्कैल्प पे अप्लाई करते रहेंगे और स्कैल्प के साथ अप्लाई करने के बाद इसको फुल हेयर लेंथ पे भी अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अप्लाई कर लिया है अच्छी तरह से स्कैल्प पे भी और लेंथ पे भी। तो मैं इसको अपने हेयर्स को टाई कर लूँगी एंड टाई करने के बाद आप ये मास्क को अपने हेयर्स में लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे और 1 घंटे के बाद अपना हेड वॉश कर लोगे अपने नॉर्मल शैम्पू से। हेड वॉश, आई एम बैक एंड यू कैन फील द चेंज इन माई हेयर्स कि मेरे हेयर्स इस मास्क को अप्लाई करने के बाद कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप भी इस मास्क को हफ्ते में 2 से 3 बार इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके हेयर सॉफ्ट एंड शाइनी लगे। सो इस व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ये मास्क अप्लाई करने के बाद आपके हेयर्स में क्या रिज़ल्ट आपको दिखाई दिया। सो अंटिल देन, bye bye, meet you in my next vlog.